एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा सिंह। मैं बैंगलोर से हूँ और मैं कैंगन के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। कैंगन मशीन इस्तेमाल करते हुए अभी सिर्फ मुझे 15 दिन हुए हैं। विश्वास कीजिए कि इन 15 दिनों में मुझे नहीं पता मेरे शरीर में अंदर क्या बदलाव आए हैं, लेकिन जितना हम महसूस कर पा रहे हैं एज अ लेडी, मुझे इतना समझ में आया कि मेरे जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम था, जो कि मैं कई सालों से परेशान थी, वो गैस्ट्रिक मान के चलिए 1% बॉडी में रह गया है। 1% भी मैं बोलूँगी माइनस में जाने वाला है ये बहुत जल्दी। आई कैन इमेजिन द रिजल्ट्स। और मेरे घुटनों का दर्द अपने आप चला गया। मैं पिछले 3 से 4 सालों से जब बच्चे को डिलीवर किया, दोनों बच्चों के बाद में मैंने कैल्शियम, मल्टीविटामिन, ओमेगा और काफ़ी सारे जो सप्लीमेंट्स हमको आयरन के और विटामिन डी के डॉक्टर्स देते हैं, ये मुझे रेगुलर खाने पड़ रहे थे। अगर एक हफ्ता भी गैप होता था तो मान के चलिए मैं बहुत परेशान हो जाती थी। कैंगन लगाने के बाद एज सच हमने इतना कुछ नोटिस नहीं किया। एक दिन बच्चे को नहलाने के बाद, स्कूल भेजने के बाद, आई रियलाइज़ कि मैंने बिना स्टूल के बैठे हुए उसको नहला के और स्कूल के लिए रवाना भी कर दिया। बाद में मुझे याद आया कि मैं तो अपने घुटनों पे अपने आप बैठ के उठ गई। मतलब 35-36 के एज में मैं इतना परेशान थी कि कैंगन तो मेरे लिए वरदान साबित हुआ है। पेस्टिसाइड जब हम निकालते हैं अपने हाईली एसिडिक वाटर से तो देखते हैं, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि इतने सालों से क्यों जहर खाया जा रहा था। तो कैंगन वरदान है मेरे घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए। एक और चीज़ बताना चाहूँगी बच्चों से, मेरे छोटे बेटे को दिल्ली से आने के बाद वीजिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी। वीजिंग तो जैसे तैसे हमने होम्योपैथी से कंट्रोल किया था, लेकिन उसका स्किन बहुत सेंसिटिव हो गया था। सेंसिटिव इन द सेंस कि ठंडे गर्म दोनों एटमॉस्फेयर में उसको हमेशा इचिंग रहती थी। हमको एक एटमॉस्फेयर मेंटेन करके चलना पड़ता था। बैंगलोर में तो मेंटेनेंस वेदर का कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो उसको हमेशा रैशेज होते थे, जो हमारे सेंसिटिव स्किन जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी वाटर नहाने के बाद में उसके बॉडी पर डालने से पिछले 15 दिनों में वो खुद बच्चा मुझे कह रहा है कि मम्मा मुझे आजकल खुजली नहीं होती, मुझे इचिंग नहीं होती, बच्चों के पेट अपने आप साफ हो रहे हैं। तो कुछ तो है। अगर आप अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, मतलब प्लीज़ प्लीज़ इसको करिए। अपने परिवार की हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। हम थोड़ा लेट हो गए प्लीज़ आप लेट मत होइए। थैंक यू सो मच।